बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट विद राबिया के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल की टिक्की, जो कि चिकन के साथ हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बच्चों को और बड़ों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आती है। आप ये देखें, माशाल्लाह से रेशे वाली बहुत प्यारी, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट अंदर से, ये देखिए बहुत मज़े की बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसी तरह से हम गाजरों को भी लंबा लंबा काट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में, मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसको मैं कढ़ाई में डालूंगी और इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए मैं इसमें पानी ऐड करूंगी 2 गिलास। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल दूंगी। और अब हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको बॉयल होने के लिए कम अज़ कम 5 से 6 मिनट लगेंगे, तो हम इसको ढाँप देते हैं ऊपर से। जी तो चिकन हमारा बॉयल हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे अंदर से। जी तो ये मैंने चिकन जो है इसको मैंने सारा निकाल लिया है। ये जो हमारा स्टॉक बचा है अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे। ये मटर है मेरे पास 1/2 प्याली, तो मैं इनको सबसे पहले इसमें डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें गाजर भी डाल दूंगी। ये 1 पाव ही गाजर है और 1 पाव ही बंद गोभी है। इसको हम 5 मिनट के लिए इस स्टॉक में पकाएंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है इसका, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब ये बिल्कुल हमारी गोभी और जो गाजर मटर सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को। तो ये देखिए अभी इसके अंदर पानी थोड़ा सा है, ये पानी भी हम वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही इसको छानेंगे। अभी हम इसको उतारते हैं चूल्हे से। तो जो चिकन के अंदर मैंने बॉयल किया था वही स्टॉक मैंने इसके अंदर यूज़ किया ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, तो कढ़ाई के अंदर हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमें चाहिए होगा 4 से 5 टेबल स्पून। हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, जो कि इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। इसको हम इस तरह से हलाएंगे। साथ ही मैंने ये 4 अदर मिर्चें चॉप की हैं वो डाल देंगे, हरी मिर्चें। मेरे पास है 1/2 कप मैदा, ये जो 1/2 कप मैदा मैंने इसको छान लिया है, अब मैं वो इसको इसके अंदर डालूंगी। आग जो है वो हमारी बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, हमें मैदे को 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। ये इसमें कि इसका कच्चापन दूर करना है हमें सिर्फ। तो ये हमारा हो गया रेडी। अब मैंने जो चिकन बॉयल किया था उसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है छोटा छोटा, तो वो इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ये जो सब्ज़ियाँ थी मैंने सॉफ्ट की वो भी, ये देखिए सब्जियों के अंदर थोड़ा सा पानी भी आ रहा है, ये भी इसके साथ ही अंदर जाएगा। आग जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, तो चूल्हा हमारा नॉर्मल आंच हो। तो ये कि इसको पकाना नहीं है, इसको बस हमने मिक्स करना है मैदे के अंदर। और साथ साथ हम इसमें अपने स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। कुटा हुआ धनिया है खुश्क वाला, ये है 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। कुटी हुई सुरख मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। याद रहे कि मैंने जो स्टॉक था या फिर चिकन बॉयल किया था उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक का। और गरम मसाला जाएगा पिसा हुआ इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा कि इसका जो मैदा है वो इसमें अच्छे से हल हो जाए। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है हमने इसको। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर हम इसको आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। बैटर हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह से। सबसे पहले ये मैं ऑयल लिया है, इसको हम इसके साथ हम हाथों को इस तरह से ग्रीस करेंगे। इस तरह से हम इसके जितने आप चाहें जो भी शेप देना चाहें आप उसकी शेप दे लें इस तरह से।
इस तरह से हम इसके कबाब बना लेंगे छोटे छोटे, जो भी साइज़ आपको पसंद हो, जो भी शेप आपको पसंद हो। हाथों को ऑयल आना लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हाथ अपने ग्रीस नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथों को चिपक जाएगा। इस तरह से हम सारे ही बना लेंगे। क्या हमने सारी बना ली हैं अपनी, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो ये मैंने 300 अंडे लिए हैं, अब इनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी आपको पसंद है तो आप इसमें भी हल्की सी काली मिर्च या फिर रेड मिर्च और नमक डाल सकते हैं। मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब ये देखिए मैं अंडे में इस तरह से इसको डिप करूँगी। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आप सारी ही इसके अंदर जितनी आसानी से आ सकें वो इसके अंदर डालकर तल लें। ये देखिए एक तरफ से ये पक चुकी है, अब इसको आस्था से पलट लें। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है और बहुत मज़े की ये बनती है। बहुत बच्चों को बहुत पसंद आती है, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते। अब ये पक चुकी हैं बिल्कुल, अब हम इसको निकालेंगे। जी तो ऐसे ही हम दूसरे वाली भी जो रह गई हैं वो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से रेशे वाली बहुत प्यारी, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट अंदर से।